इस समय की बड़ी खबर भोपाल से है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी सहित कई बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है और कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। सुरेश पचौरी का और उनके समर्थकों का भाजपा में जाना कांग्रेस के लिए एक सदमे जैसा है। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी पराजय से पस्त कांग्रेस पार्टी को भाजपा संभलने का कोई मौका नहीं दे रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जहां कांग्रेस में भगदड़ मची है, वहीं भाजपा बाहें पसार कर कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं का स्वागत कर रही है। भाजपा ने प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, आलोक संसोरिया, भोपाल के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव, दिनेश डिमोले, सुभाष यादव एवं जसपाल अरोरा ने भाजपा की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं न्यूज ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा की विचारधारा और मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अंगवस्त्र पहनाकर सभी कांग्रेसियों का बीजेपी में आने पर स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सबनानी, विधायक संजय पाठक उपस्थित रहे। मोदी जी के नेतृत्व में लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। देश में बेहतर काम करने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत वो सुरेश पचौरी है, तो ऐसे संतों का स्थान कांग्रेस में तो नहीं है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अभी थोड़ी देर में ही वो सदस्यता ग्रहण। भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार में लौट आए हैं, भाजपा मेरा परिवार है। शुक्ला ने कहा कि मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा जब राम मंदिर का आमंत्रण कांग्रेस ने ठुकराया था। अब मैं भाजपा में रहकर जनता की सेवा करूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराने के निर्णय से मैं आहत था। राम मंदिर का निर्माण हो इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय पहल हुई, मैं उनका साक्षी रहा हूं। पर जिस तरह की राजनीति अब हो रही है वो स्वीकार नहीं है। भाजपा में मैं किसी पद की लालसा में नहीं आया हूं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।